नहीं कि जनता ने नहीं गलती की, मैं तो आपको एक से एक वीडियो होली की दिखा दूं कि लोग भीगे हुए हैं पानी में। जब देश की राजा जनता है तो उसका ज्यादा जागरूक होना बनता है सर। विपक्ष को आउटराइटली बॉयकॉट कर देना चाहिए कि हम इलेक्शन में, आप जाओ अकेले लड़ लो। विपक्ष के पास इतना अच्छा मौका था अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और जनता में अपनी जगह बनाने के लिए कि हम ना लड़ रहे चुनाव, हमें जनता की जान ज्यादा प्यारी है, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम कोई रैली नहीं करेंगे, हम चुनाव का बॉयकॉट कर रहे हैं। सरकार कटघरे में आ जाती सर, और सरकार ने जो लापरवाहियां की हैं उसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना ही है। 22 में भी इलेक्शन है और भगवान के आशीर्वाद से 24 में भी इलेक्शन है, और आशा करता हूं कि 24 का जो इलेक्शन होगा वो इस देश के इतिहास में एक बेमिसाल इलेक्शन होगा। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ देश हित के मुद्दों पर वोट करिए, जाति धर्म क्षेत्र जो भी आकर आपसे कहे मारिए सर दौड़ाकर, सब एक हो जाइए। इस महामारी ने कम से कम एक चीज तो आपको दी ना, एकता। किसी ने देखा कि प्लाज्मा कौन दे रहा है, हिंदू है कि मुसलमान? किसी ने देखा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कौन करवा रहा है, ब्राह्मण है कि निम्न जाति का है? किसी ने नहीं देखा सर। जिसको जहां संभव हो सका उसने वहां लोगों की सहायता की। कोरोना ने एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया इस देश को, नुकसान तो बहुत पहुंचाया सर, लेकिन एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया, हम सबको एक कर दिया। अब 24 का जो चुनाव हो वो सिर्फ व्यक्तित्व पर हो, लड़ कौन रहा है। अब 24 का जो चुनाव हो वो सिर्फ मुद्दों पर हो जो देश हित में है, तब तो कोरोना के नुकसान की भरपाई होगी, वरना सर इस देश की एक बड़ी अच्छी कहावत है कि चलता है, इतना सब तो चलता है। और यह चीज मैं इस देश की जनता पर छोड़ता हूं, वो डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है, किसके साथ रहना है, किसको वोट देना है, यह आपका निर्णय है सर।